माय नेम इज़ सनाउल अजमाली, आई एम स्टूडेंट ऑफ MBBS एट लम्स। आज हमारा टॉपिक है सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? दीज आर स्मॉल लिविंग स्ट्रक्चर्स विद इन सेल स्पेशलाइज टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो स्मॉल लिविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल के अंदर, जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सेल के अंदर जो भी मुख्तलिफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं उन्हें हम ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। जैसे हमारे पास मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे हमारे पास राइबोसोम्स हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे मुख्तलिफ चीज़ें जो भी चीज़ें सेल के अंदर मौजूद होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। और उन ऑर्गेनेल्स की नंबर और टाइप ऑफ ऑर्गेनेल, मतलब कौन सी ऑर्गेनेल और कितने ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे एक सेल के अंदर, वो डिपेंड करती है अपॉन सेल टाइप और सेल के फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा सेल है, किस किस्म का सेल है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास बोन सेल है तो वहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जगह वहाँ की क्या होगी? सारकोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सारकोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज फॉर कैल्शियम, क्योंकि बोन्स को ज़रूरत होती है कैल्शियम की कंट्रैक्शन के लिए, स्ट्रांग बोन्स के स्ट्रेंथ के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है। उस वजह से वहाँ पे सारकोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इंस्टीट्यूट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो नंबर और टाइप जो होती है ऑर्गेनेल की वो वेरी करती है सेल टाइप से और सेल फंक्शन से। हमारे पास मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स होते हैं, कौन से ऑर्गेनेल हैं? सेल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स, सेंट्रियोल्स होते हैं, माइक्रोट्यूबल्स, माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, माइक्रोमोटर्स एंड वाल्स। ये सारी चीज़ें सेल के अंदर मौजूद होते हैं, ये सारी चीज़ें सेल के अंदर मौजूद होते हैं और इन चीज़ों की वजह से इन सब चीज़ों को हम सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। पहले हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन। हम डिस्कस करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। सेल मेम्ब्रेन डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन सराउंड्स अ सेल। ये एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन जो सेल को सराउंड कर रही होती है। फॉर एग्जांपल ये अंदर सेल के अंदर ये सेल है, उसके बाहर ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन अवेलेबल है और इस डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है जो सेल को सराउंड कर रही होती है। इट इज़ अ डायनेमिक स्ट्रक्चर, सेमी परमेबल, मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो एक डायनेमिक स्ट्रक्चर होती है, मींस इट इज एबल ऑफ मूवमेंट। ये मूवमेंट कर सकती है, तभी इसे डायनेमिक स्ट्रक्चर कहते हैं। सेमी परमेबल होती है एंड इट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किस चीज़ की बनी होती है? लिपिड एंड प्रोटीन्स की बनी होती है। कैसे होता है? बेसिक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ लिपिड बायलेयर इन विच प्रोटीन्स आर स्कैटर्ड। सेल मेम्ब्रेन की जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है वो लिपिड बायलेयर की बनी होती है, मीन्स देर आर टू लेयर्स ऑफ लिपिड जिसमें प्रोटीन्स स्कैटर्ड होते हैं। हमारे पास लिपिड्स कौन से होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर? दो किस्म के लिपिड्स होते हैं, एक फॉस्फोलिपिड्स होते हैं और एक कोलेस्ट्रॉल होते हैं। देर आर टू टाइप ऑफ लिपिड्स मेनली देट आर प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन, वन इज फॉस्फोलिपिड, द अदर वन इज कोलेस्ट्रॉल। एक फॉस्फोलिपिड होते हैं और कोलेस्ट्रॉल होते हैं। तो पहले हम फॉस्फोलिपिड पढ़ेंगे। याद रखिएगा फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल जो होता है उसके पास दो चीज़ें होती हैं, एक हेड होता है और फॉस्फोलिपिड का हेड होता है और एक फॉस्फोलिपिड का टेल होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल जो होता है उसका हेड होता है और ये जो होते हैं ये टेल होते हैं। फॉस्फोलिपिड का हेड और फॉस्फोलिपिड का टेल। फॉस्फोलिपिड का हेड किस चीज का बना होता है? फॉस्फेट पार्ट का। और फॉस्फोलिपिड का हेड जो होता है उसके लिए दो चीज़ें याद रखिएगा, एक के वो पोलर होती है, दूसरी के वो हाइड्रोफिलिक होती है। पोलर इसलिए क्योंकि चार्ज प्रेजेंट होते हैं और हाइड्रोफिलिक उसके लिए होता है क्योंकि वाटर लविंग होता है, वाटर में फॉस्फोलिपिड का हेड जो होता है वो सॉल्युबल हो जाता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर लविंग, मीन्स इट लव्स वाटर, इट अट्रैक्ट्स वाटर, वाटर अट्रैक्टिंग होता है या वाटर लविंग होता है, जो वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। फॉस्फोलिपिड का हेड जो होता है वो पोलर होता है, पोलर क्योंकि फॉस्फेट जो होता है उस पर चार्जेज होते हैं तभी पोलर होता है। और ये हाइड्रोफिलिक होता है
और फास्फोलिपिड की टेल जो होती है वो किस चीज से बनी होती है? फैटी एसिड्स। फास्फोलिपिड की टेल जो होती है वो फैटी एसिड से बनी होती है। इसमें भी दो चीज़ें होते हैं कि ये नॉन पोलर होता है एंड इट इज हाइड्रोफोबिक। फास्फोलिपिड की टेल नॉन पोलर होती है और हाइड्रोफोबिक होती है। नॉन पोलर इसलिए क्योंकि इसके पास कोई चार्ज नहीं होता, कोई पोलरिटी नहीं होती, कोई चार्ज इन पे नहीं होते। और हाइड्रोफोबिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वाटर को हमेशा रिपेल करते हैं, वाटर को रिपेल करते हैं। वहाँ पे वाटर को अट्रैक्ट कर रहे थे हाइड्रोफिलिक, ये वाटर को रिपेल करते हैं क्योंकि फैटी एसिड के बने हुए हैं और हाइड्रोफोबिक हैं, तो ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। जो फास्फोलिपिड की टेल होती है वो इनसॉल्युबल होती है वाटर के अंदर। याद रखिएगा फास्फोलिपिड की जो टेल होते हैं वो बने होते हैं किस चीज़ से? फैटी एसिड से। इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। इनके पास दो चीज़ें होती हैं, एक नॉन पोलर कोई चार्ज, कोई नेगेटिविटी, कोई चार्ज नहीं होती, और दूसरी के हाइड्रोफोबिक होते हैं, ये वाटर को रिपेल करते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। तो हम अब नोट से देखते हैं कि क्या है। फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैव हेड एंड विद फास्फेट पार्ट एंड सॉल्युबल इन वाटर। फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके पास हेड एंड होता है विथ फास्फेट पार्ट, और वो सॉल्युबल वाटर में होते हैं, वो पोलर और हाइड्रोफिलिक होते हैं। और जो टेल एंड होती है वो फैटी एसिड्स की बनी होती है, वो इनसॉल्युबल होती है वाटर के अंदर, और नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक होते हैं। जो टेल एंड होती है वो नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक, जो हेड एंड होती है वो पोलर होती है और हाइड्रोफिलिक होती है। हाइड्रोफिलिक एंड्स फेस इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ मेम्ब्रेन विद एक्वेसिस एनवायरमेंट। जो हाइड्रोफिलिक एंड्स होते हैं, जो वाटर लविंग एंड्स होते हैं, वो फेस करते हैं इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ मेम्ब्रेन को एक्वेसिस एनवायरमेंट के साथ। और हाइड्रोफोबिक एंड्स जो होते हैं वो सेंटर ऑफ मेम्ब्रेन में मिल जाते हैं। इट इज़ मेड पॉसिबल ड्यू टू डबल लेयर ऑफ लिपिड्स। ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि डबल लेयर ऑफ लिपिड्स होते हैं तभी ये इंटीरियर हाइड्रोफिलिक एंड्स इंटीरियर एक्सटीरियर मेम्ब्रेन की इंटीरियर एक्सटीरियर को फेस कर रहे होते हैं, और हाइड्रोफोबिक एंड्स जो होते हैं वो सेंटर ऑफ मेम्ब्रेन पे मिल रहे होते हैं बिकॉज ऑफ दिस डबल लेयर ऑफ लिपिड्स की वजह से। क्योंकि फास्फोलिपिड जो होती है वो बायलेयर फॉर्म में अवेलेबल होती है, और फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स किसी भी चीज़ से अटैच नहीं होते हैं। फास्फोलिपिड्स आर नॉट अटैच टू एनी स्ट्रक्चर, ईच मॉलिक्यूल इज़ फ्री टू मूव। फास्फोलिपिड्स जो होते हैं वो किसी भी चीज़ से अटैच नहीं होते और वो फ्री टू मूव होते हैं। दिस अलाउज रैंडम लेटरल मूवमेंट ऑफ बोथ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स इन द सेल मेम्ब्रेन। इसकी वजह से, क्योंकि फास्फोलिपिड्स किसी भी चीज़ से अटैच नहीं होते, उसकी वजह से लिपिड्स और प्रोटीन्स मुख्तलिफ तरह से रैंडमली लेटरली मूव कर रहे होते हैं इन द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स, लिपिड बायलेयर इज हाईली फ्लेक्सिबल, फ्लड इन नेचर। लिपिड बायलेयर जो होती है वो हाईली फ्लेक्सिबल होती है और फ्लड इन नेचर होती है। दिस अलोज कंसिडरेबल अल्ट्रेशन इन सेल शेप। इसकी वजह से मुख्तलिफ अल्ट्रेशन आते हैं सेल शेप के अंदर। और दूसरा लिपिड होता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल इज डिस्पर्स थ्रू आउट द सेल मेम्ब्रेन बिटवीन इरेगुलर स्पेसिस बिटवीन हाइड्रोफोबिक टेल्स ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स। कोलेस्ट्रॉल जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन में डिस्पर्स होती है थ्रू आउट सेल मेम्ब्रेन, पूरे सेल मेम्ब्रेन में डिस्पर्स होती है। जो और ये कैसे प्रेजेंट होते हैं आइए हम देखते हैं। यहाँ पे फॉर सपोज हमारे पास ये सेल मेम्ब्रेन है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, तो ये जो होते हैं फास्फोलिपिड की बायलेयर होती है, ये फास्फोलिपिड्स होते हैं, फास्फोलिपिड बायलेयर। बायलेयर और ये जो होते हैं ये प्रोटीन्स होते हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं बिटवीन द सेल। और इनके दरमियान में ये दो फास्फोलिपिड्स के बीच में इरेगुलर स्पेसेस होते हैं, दो फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच में, लिपिड बायलेयर के बीच में इरेगुलर स्पेसेस होते हैं, वहां पे क्या हमें मिलते हैं? कोलेस्ट्रॉल।
कोलेस्ट्रॉल आर प्रेजेंट बिटवीन इरेगुलर स्पेसिस बिटवीन दी फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल, जो फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल होते हैं वहाँ पे उनके बीच में दरमियान में थोड़े स्पेसिस होते हैं, वहाँ पे हमें कोलेस्ट्रॉल मिलते हैं। कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं इट मेक्स द मेम्ब्रेन स्टिफ एंड गिव्स इट स्ट्रेंथ, ये मेम्ब्रेन को स्टिफ बनाती है और मेम्ब्रेन को स्ट्रेंथ देती है। मेम्ब्रेन सपोर्ट में इनका रोल होता है, एक्स्ट्रा सपोर्ट देते हैं मेम्ब्रेन को, एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये मेम्ब्रेन को दूसरे लिपिड्स से ज़्यादा स्ट्रेंथ मजबूती देते हैं कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल क्योंकि दूसरे लिपिड से ज़्यादा रिजिड होते हैं, सख्त होते हैं, ये इमोबिलाइज कराते हैं कुछ लिपिड मॉलिक्यूल्स को जो उनके सराउंडिंग में होते हैं। ये क्या करवाते हैं कि इमोबिलाइज करवाते हैं कुछ लिपिड मॉलिक्यूल्स को जो उनके जुदारी होते हैं। तो आज हमने यहीं तक, आज हमारा लेक्चर इस पार्ट को यहीं तक कंप्लीट करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स के बारे में, जिनको कौन से डिफरेंट प्रोटीन्स सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। तो थैंक यू फॉर आज के लिए इतना ही। काइंडली हमें सपोर्ट करें, हेल्प करें बाय शेयरिंग एंड लाइकिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।